हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन अ लॉन्ग सोलिनॉइड लॉन्ग 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स कैरीज अ करंट 2.5 पॉइंट फाइव एम द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलिनॉयड इज सोल्यूशन सबसे पहले लॉन्ग सोलिन का मतलब क्या है बेटा लॉन्ग सोलिनॉइड इसका मतलब है कि अगर ये सोलिनॉइड है एक सेक्शनल व्यू दिखा रहे हैं हम ठीक है क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर ये कोई सोलिनॉइड है ऐसे ठीक है यहाँ पे करंट अंदर की तरफ है ऐसे और यहाँ करंट बाहर की तरफ है फिर नंबर ऑफ टर्न्स हो गए ठीक है ऐसे और ये सोलिनॉइड की लेंथ है एल और ये इसकी रेडियस है हाँ तो अगर लॉन्ग सोलिनोड का मतलब है जो एल है वो अगर इसकी रेडियस से बहुत बड़ा है जैसे यहाँ लेंथ रखी फिफ्टी सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी हो मिली में एक मिलीमीटर मीटर पॉइंट टू मिलीमीटर पॉइंट थ्री मिली ऐसे तो एल कंपेयर टू आर के बहुत बड़ा हो तो इसे लॉन्ग सोलिनोड कह सकते हो आप अब इसकी एक्सेस पर है ना अंदर इन सेंटर पर यहाँ सेंटर पर फील्ड पूछ रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं एन हंड्रेड टर्न्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये ठीक है और लंबाई दर की फिफ्टी सेंटीमीटर और करंट जो फ्लो कर रही है इसमें वो कितनी रखी है टू पॉइंट फाइव एम पी एयर ये डॉट का मतलब करंट ऊपर की तरफ निकल रही है क्रॉस मतलब अंदर तरफ निकल रही है ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया है सोलिनॉइड का ठीक है सेंटर पर फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है लॉन्ग सोलिनॉइड के तो बी इक्वल टू सेंटर पर सेंटर का हो मिडल का हो इन का हो है ना इसे आइडियल सोलिनॉइड भी बोलते हैं हम आइडियल सोलिनॉइड तो बी होता है म्यू नॉट स्मॉल एन आई यहाँ जो स्मॉल एन है ना ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है तो जो कि यहाँ दे रखे हैं हंड्रेड टर्न और लेंथ रखी है फिफ्टी सेंटीमीटर रखी है उसे मीटर में बदलने तो टेन पावर माइनस के टू सेंटीमीटर को मीटर में लिखें तो फिफ्टी टेन पावर माइनस के टू तो ये कट गया दो और ये ऊपर ले जाएं तो टू हंड्रेड टन्स टन्स पर मीटर आ गया ठीक है स्मॉल एन आ गया यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो मीजरो की जो वैल्यू है ये हमें गिवन भी है यहाँ पे वैसे हम जानते हैं म्यू नॉट अपॉन फोर पाई की वैल्यू जानते हैं टेन की पावर माइनस के सेवन है ना तो इसकी वैल्यू है फोर पाई टेन की पावर माइनस के सेवन और एन की वैल्यू निकाल ली हमने टू हंड्रेड एन वाई एन स्मॉल एन और करंट रखा है टू पॉइंट फाइव है ना तो इस पॉइंट को उठा लो यहाँ जीरो कर लो जीरो से ज़ीरो काट लो तो फोर इस पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर पच्चीस का मल्टीप्लाई इस बीस में कर लो तो ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी करेंगे तो फिफ्टी तो ये हो गया जीरो फाइव हंड्रेड हो गया और टेन की पावर माइनस के सेवन इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो टू थाउजेंट हो जाएगा थ्री पॉइंट वन फोर और 10 की 7, टेन की पावर माइनस के सेवन टेस्ला ये टेन की पावर थ्री हो गया इससे ये काट लो और दो का मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो सिक्स पॉइंट टू एट और टेन पावर थ्री ये और टेन पावर माइनस के सेवन है तो टेन की पावर माइनस के फोर बचेंगे माइनस के थ्री सेवन माइनस के सेवन प्लस टेन की पावर थ्री तो टेन की पावर माइनस के फोर टेस्ला इतना सेंटर पर मेडीफील्ड आएगा बी सेंटर इतना सेंटर पर मेडीफील्ड है आपका सिक्स पॉइंट टू एट पावर माइनस के फोर डी चॉइस इज करेक्ट उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा पढ़ते रहिए और खुश रहिए